नमस्ते, मैं ममता राय हूँ फ्रॉम तत्वमसी। और मैं बस इसीलिए बोलना चाह रही हूँ कि ध्यान के बारे में, मैं ध्यान में कैसे आई, मेरे एक्सपीरियंस क्या है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप लोग भी ध्यान करो, ये करो, बस ये चारों तरफ पहुँचना चाहिए। ऐसे अगर हम एक बार बोल देंगे तो ये किसी को समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन उसमें डूबना है। जब तक हम डूबेंगे नहीं तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं एक गाँव की, मतलब पूरा जो बोलते हैं एक कर्डन में रहते हैं, पूरा स्ट्रिक्ट लाइफ था मेरा। और ससुराल में एक ही बहू थी, बहुत नाकछड़ी ऐसा मतलब ज़िंदगी था। लेकिन ऐसे एक दिन में क्या हुआ, मेरे को, हम लोग मतलब उड़िया फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ध्यान के बारे में तो हम दूर दूर तक नहीं जानते हैं। ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पूजा पाठ बहुत होता है अपने घर में, लेकिन ध्यान का बिल्कुल किसी को पता भी नहीं है। और एक दिन मतलब एक ऐसे लीफलेट बांटा गया था, वो लीफलेट देख के मैं, डुमडुमा एक ओम पिरामिड है, वहाँ पे इनाग्रेशन था, वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ पे पत्री सर आए हुए थे और ना जाने उस दिन क्या हुआ, मेरे अंदर भी इतना डेडिकेशन कहाँ से आया। सर एकदम एक घंटा बैठे और बोले थे आँखें खोलना नहीं, और हम आँखें खोले नहीं, लेकिन मेरे को बहुत मन कर रहा था कि वो सीढ़ी चल रहा है या फिर सर का बाँसुरी का आवाज़ है बोल के। बहुत बीच में इच्छा हो रहा था एक बार आंख खोल के सर को देख लूं कि सच्ची में कहीं सीढ़ी चल रहा है, या फिर हम किसी को पहचानते भी नहीं थे, तभी कुछ भी नहीं जानते थे, जिसके घर आए थे हम उसको भी नहीं जानते थे, पर कैसे आ गए, जैसे कोई मास्टर हमको ले आया है। तो उस वक्त हम पूरा, लेकिन जब पूरा डेडिकेटेड थे, अपने आँखों को बंद करके रखना है, दिमाग में भी क्या चल रहा था सब बंद हो गया था, बस बाँसुरी का सुर से हम धूम से मस्ती में एकदम थे। फिर जैसे ध्यान ख़त्म हुआ, एकदम क्राउड था, मैं ऐसे आँख खोली तो मेरे सामने, काफ़ी दूर में थे लेकिन सामने से पत्री सर बैठे थे, तो पत्री सर का जो आँखों से एक रोशनी मेरे तरफ आया, उनकी आँख और मेरे आँखों से जो मतलब ये हुआ, तो मेरे को फील हुआ कुछ रे जैसे मेरे आँखों में घुसा। तो तभी से आज को शायद 11-12 साल हो गया है, मैं और पीछे नहीं हटी हूँ। भले ही मेरे लाइफ में बहुत सारे मोड़ आए, वहाँ पे भी कुछ दिन ध्यान किए, कुछ फिर सेकेंड बार पत्री सर मिले, लेके गए थे, मेरे घर में एकदम स्ट्रिक्टली मना था कि तुम ध्यान नहीं करोगे, ऐसे मेरे को गेट में लक भी किया जाता था कि तुम नहीं जाओगे। लेकिन ऐसे भी मेरे पूरा ये जो संगठन है हमारा, पिरामिड सोसाइटी, यहाँ से भी हम दूर हो गए, अपने घर में रहे सब मतलब, लेकिन मेरा वो जो ये था वो कभी छूटा नहीं था। हाँ, उससे पहले हम 40 दिन का ध्यान किए थे हरीश भाई के द्वारा, और 40 दिन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब जो 39 नाइट था, मैं उसका थोड़ा सा बोल रही हूँ। मैं रात को सो रही थी, करीबन 12:30-1 बजे सोई होंगी, और एक जो हम लोग का योगानंद जी का एक बुक है, उसका बुक लेके मैं, उनका जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद, उसको लेके मेरा ऐसे सोते सोते मेरे छाती के ऊपर रख के मैं सो गई थी। जैसे 4:30 बजे मेरा नींद खुला तो अंधेरा था, एक लाइट दिख रहा था, एक लाइट दिख रहा था, और वो लाइट गया भी नहीं, मतलब उसी जगह में पूरा रहा, बहुत देर तक रहा, करीबन 6 बजे तक रहा होगा। फिर मैं आके बताई थी, तभी तो मेरा खाना पीना भी उतना ही नहीं था, मैं काफ़ी गोरी थी बस, लेकिन एक अलग सा चमक था। मैं नौकरी करती थी एक कॉलेज में, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी, अभी भी हूँ ऐसे लेकिन अभी ध्यान में ज़्यादा हूँ तो उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। उसके बाद लाइफ में बहुत हर्डल्स, तो उसको नहीं बोले जाएंगे क्योंकि तब हर्डल्स लगते थे, लेकिन अभी वो मेरे को लगता है वो मेरा साधना था। जैसे हम, ऐसा नहीं कि हम ध्यान में आए, ध्यान परिवार में आए, किसी में आए तो घर छूट जाए, ऐसे भी गुरु मेरे को मिले जो बोले कि तुम घर छोड़ के आ जाओ, लेकिन मैं कृष्ण को बहुत मानती हूँ, तो कृष्ण को जब मैं मतलब अंदर से ही मेरा एक ध्यान, अलग सा ध्यान रहता है ईश्वरीय, ये मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आया, जब कृष्ण इतना बड़ा संसार करके वो छोड़ के कहीं नहीं गया, वो पूरा संसार चला रहा है, तो मेरा तो एक छोटा सा संसार बना बनाया हुआ है, मैं चली जाऊँगी तो मेरी छोटी सी बच्ची थी, बच्ची क्या करेगी, मेरा हस्बैंड क्या करेगा, सास ससुर की एक ही बहू हूँ। वो ऐसे करके, फिर मेरे सास भी पूरा अपोजिट थी मेरे, ये में मेरे हस्बैंड भी अपोजिट थे, तो मेरे को काफ़ी तकलीफ होती थी, कहीं आना जाना मुश्किल होता था। हरीश भाई ने लेकिन एक लाइन बोला था कि जो तुम अच्छे कार्य में आ रही हो, अगर तुम्हारे कोई मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे तो वो खुद हट जाएंगे। ऐसे कुछ दिन आया, मम्मी जी भी गई, लेकिन घर में मेरे को मतलब ये करना हुआ कि हम कहीं नहीं निकलेंगे, लेकिन ध्यान मेरे अंदर ही रहा था, और
बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ ये हुआ था। फिर जैसे हम एक सोचे थे बहुत मतलब वो 9-10 साल पहले जब मेरे को पिरामिड भी बंद किया गया था, जिसके घर में पिरामिड जाते थे वो भी हमको मना कर दिए थे, तब भी मेरे को विचार आ रहा था कि अपना भी एक पिरामिड हो और जहाँ पे पतरिसा राय और बांसुरी बजाए। और कैसे ये मतलब कैसे हो गया 9-10 साल में, मैं तो यकीन भी नहीं कर पाई। तभी भी मेरे मन में आया था उसका नाम तत्वमसी हो, उसका कलर व्हाइट हो, वैसा भी विचार आया था। और सच बोल रही हूँ, मेरे घर का हालत वैसा नहीं था। तभी मैं सोचती थी कोई 40,000 का 40 लाख रुपया दे दे गिफ्ट में, अगर दे दे तो अपना भी एक घर हो जाता। मेरे को बेडरूम नहीं चाहिए, मेरे को एक पिरामिड चाहिए। सच्ची में मेरे ससुर ने मतलब मेरे फादर इन लॉ ही 40 लाख दिए, और कैसे अपना घर बना, अपने अपने आप अपना हालत सुधरता गया। फिर 1 साल के बाद जब मैं बोली कि पिरामिड बनाना है, तो घर में फिर वही शुरू हुआ, अगर हम रहेंगे या फिर तू रहेगी, हस्बैंड का ये हुआ। तो मेरे को मन में आया, अगर मैं स्पिरिचुअली अगर कुछ वर्क नहीं कर पाऊँ तो मैं क्यों जिंदा रहूँ। एक्चुअली मैं बोर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे को लगता है यही लाइफ सबको खाना बना के दो, वही करो, बच्चे का करो, हस्बैंड का करो, नौकरी करो, मतलब सबके कोई बोलेगा तो हंसो, कोई बोलेगा तो रो। तंग आ चुकी थी, तंग मतलब जैसे लगता है कि ये सब तो मैं जी चुकी हूँ, और मेरे को अगर स्पिरिचुअली कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं ये करना है, तो मैं जिंदा क्यों रहूं। तो मेरा हमेशा मतलब बात होता था एग्जिस्टेंस के साथ। अस्ट्रल मास्टर श्लोक का हेल्प मेरे को हमेशा मिला है, जिंदा गुरु जितने मिले हैं मेरे को ऑस्ट्रली मेरे को बहुत मिलता है। तो ऐसे करके ना मैं पूरा कूद पड़ी कि मैं सुइसाइड ही कर लूंगी। जानती हूँ कि सुइसाइड करना बहुत बुरा है, लेकिन मतलब वो भी नहीं हो पाता था, और इतना मेरे को आत्मविश्वास था कि वो मेरे को सुइसाइड भी करने नहीं देंगे। हॉस्टल मास्टर्स मुझे इतना प्रेम करते हैं, वो मतलब करने नहीं देंगे, वो मेरे को मालूम है। क्योंकि पहले एक बार हम अटेम्प्ट लिए थे मतलब एक रेल लाइन में जाने के लिए, मैं एकदम बहुत रो रो के, अगर मुझे स्पिरिचुअली कुछ करना नहीं है तो मेरे को इस जन्म क्यों मिला, भले ही कुछ दोबारा जन्म मिले, एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, तो एक अगर इसमें नहीं जाना है तो मेरे को क्यों जीना है। तो फिर मैं जा रही थी, तो एक छोट मतलब एक बारिश का वेदर था, और एक पूरा ठंडी ऊर्जा मेरे चारों तरफ ऐसे घूम रहा था, जैसे चक्रवात बोलते हैं पूरा वो मेरे तरफ, लेकिन बहुत प्यारा था। मेरा आंसू ऐसे निकल रहा था, और मैं ट्रेन लाइन के सामने जा रही थी, और आंसू भी सूख गया, और वो ऊर्जा ऐसे चल रही थी, पता नहीं मैं इतनी दुखी थी और कैसे आनंदित हो गई। और आ रही तो पूरा शाम हो गई थी आते आते, और उस दिन शायद कोई पूर्णमी था, तो एक बालू का किसी का घर बना था, बालू का ये था, वहाँ पे मैं बैठी थी। तो मेरे को मालूम था कि हम कभी, उस दिन से मेरे को पूरा एकदम मालूम था हम कभी सुइसाइड नहीं कर सकते। फिर ये एक आइटम था दिखाने के लिए, फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तेरे को जो करना है कर, घर में ही कर। फिर मेरे को पिरामिड के लिए हाँ बोल दिए। फिर जैसे हाँ बोल दिए मतलब मैं एकदम खुशी से उछल पड़ी, नौकरी गया, जो भी ये हुआ वो नौकरी का जो पैसा, उसको बहुत बहुत धन्यवाद उस संस्था को, मेरे को जो पैसा मिला था, पिरामिड बनाए। लेकिन हस्बैंड के लिए मेरे को बोलना पड़ा कि वो बोला महावीर पिरामिड बने और उसका कलर अरेंज होना चाहिए। लेकिन बहुत साल पुराने मेरा था ऐसा कि वाइट कलर बनना है, उसका नाम तत्वमसी है, लेकिन तब मेरे दिमाग में नहीं आता था। ये तो बन गया, अपना वहाँ का ऊर्जा थोड़ा ये था, फिर बैलेंस नहीं हो रहा था। फिर निहार भाई बहुत ट्राई किए थे, उनको बोल बोल के करवाए, तो इधर उधर का गलत हो गया था, लेकिन मेरे को बनाना था एक पिरामिड, अच्छा पिरामिड बनाना था। फिर उसको तोड़ने के लिए भी बहुत मुश्किल, मनीष भाई बहुत हेल्प किए हैं। मनीष भाई का और ऐसा है कि वो आके खड़ा हो जाएंगे, वो खड़े हो जाते हैं तो पूरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। तो जब सेकेंड बार फिर प्लान किया कि नहीं इसको तोड़ के करेंगे, फिर मेरे हस्बैंड बोलेंगे ज़रूर घर में, तो वो भी हम एकदम शांत रहे, और जैसे 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 सर नीचे करने से जैसे समंदर का पानी ऊपर चला जाता है, वैसे ही चला गया। फिर पिरामिड निहार सर और मनीष सर के चलते एकदम, वो लोग इतना अच्छा पिरामिड मेरे को गिफ्ट किए हैं, मतलब क्या बोले, उसका नाम तो ऐसे ही मतलब जो नाम दिए हैं तत्वमसी, और ये अपने आप में वो मिराकिल है। स्टार्टिंग में तो ओम का साउंड आना, और मतलब सबको जो भी मास्टर्स आते हैं जैसे बोलते हैं कोई खाली हाथ नहीं जाता है, तो कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस होगा। और सबसे बड़ा बात है वहाँ पे जो भी आएगा उसका कंजुगल लाइफ बहुत अच्छा होता है। मतलब जैसे मेरे को ये था कि मतलब एक घर में रह के भी आप ये करो। और सबसे बड़ी बात ओडिया लोगों ने क्या होता है ना, उनमें ध्यान को घुसाना बड़ी मुश्किल होता है।
असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव तो हम बोल ही नहीं सकते, लेकिन मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग का जो रग रग में जो है ना, पूजा करो, पाठ करो, सो मेनी रिचुअल्स आर देयर। तो वो रिचुअल से निकाल के, और मतलब ये लोग बोलते हैं कि मतलब नॉन वेज, वो नॉन वेज को निकालना वो तो पूरा एकदम मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ऐसे स्ट्रिक्ट भी नहीं बने, हम बोले अगर क्योंकि मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले हो, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को छोड़ के, मेरे ससुर जी सब मतलब धीरे धीरे मेरे फ्रिक्वेंसी में आके छोड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे शादी से पहले ही छोड़ दिए थे, मेरे बच्ची आई तो वो मतलब वेजिटेरियन ही पैदा हुई। तो लेकिन मेरी सास अभी भी लेते हैं, अभी फिलहाल मेरे ससुर जी छोड़े हैं, मेरे जो मतलब हैं ये में, वो धीरे 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 मेरे फ्रिक्वेंसी में आके छोड़ रहे हैं। अपने दो फ्रेंड्स लोग ये लोग किसी को अगर खिलाते तो मैं ऐसे बोलती थी कि अगर मैं अपने हाथों से तुमको खिलाऊंगी तो तुम वेजिटेरियन बन जाओगे, इतना आत्मविश्वास है मुझ में। बोलने का ये है कि तुम ऐसे नहीं कि तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होगा अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन एक संवेदनशील बनते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो एक विवेक ज्ञान जागृत होता है, उस विवेक से हमको निपटना होता है कि अगर हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे प्रेम करेंगे। हम बोलते हैं हाँ वो प्राणी को खा रहे हैं तो ये मतलब वो अपने पुष्टि के लिए खा रहे हैं, अपने शरीर तंदुरुस्त बना रहे हैं, तो तंदुरुस्त करके हम क्या, कोई मसल ये करके क्या करेंगे। जब तक हमारा अंदर शांति नहीं आएगा वो लेके हम क्या करेंगे। और ऑटोमेटिकली मेरे को इतना विश्वास है कि अगर हम खुद शांत हैं अंदर, बाहर जितने कड़वे हो अंदर शांत रहना चाहिए। और यहाँ पे जितना स्पिरिचुअल ये दिखाते हैं, वो लोग आपको एक संस्कार सिखाते हैं कि बाहर से मीठा बोलो, बाहर से अच्छा ये करो वो करो, सफ़ेद ड्रेस पहनो। अरे भाई इतना कलरफुल दुनिया है, हम सफ़ेद ही क्यों पहन के रहें। बस इसको कोरा बनाओ, दिल को कोरा बनाओ, दिल को सफ़ेद बनाओ, फिर अपने आप जिससे मिलोगे, जिससे ये करोगे, बस प्रेम ही प्रेम बहेगा। जिसको देखोगे बस एक स्माइल आएगा, वो भी इतना अनकंडीशनल, इतना प्योरिटी इसमें रहेगा कि मतलब वहीं पे तुम्हारा फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगा। और बाकी कहाँ पे तुमको जुद करने का जरूरत ही क्या है। जब हम किसी प्राणी को खा के बोलते हैं कि हाँ मतलब उसको मार के उसको फिर हम खा लेते हैं, तो वो हम अपने अंदर क्या होता है उसको लेके हम मतलब अपने विचार में अपने ये में क्या हो, तो राक्षस प्रवृत्ति आ गया। हम कुछ भी कर सकते हैं, राख भगवान ऐसे हमको भगवान बना के भेजा है, भगवान हम इंसान हैं तो हमारा भगवान भी इंसान है, अगर कुछ और कुछ प्राणी होते तो हमारा भगवान भी वैसे होता। तो भगवान तो पूरा परिव्याप्त है, और हम जब आंख बंद करते हैं अपना निराकार स्वरूप तो हम खुद देखते हैं, हम इतने व्यापक हैं, असीमित हैं। तो भगवान का अंश क्या, हम खुद भगवान हैं। तो उस ऐसे बोल देने से तो नहीं होता ना कि हम भगवान हैं, वो भगवान हो के हमको जीना होगा। उसमें वो जो आत्मा को हम ले रहे हैं वो भी भगवान है, हम भी भगवान हैं। ऐसे बोलते 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 कोई ना कोई कभी ना कभी तो जागेगा, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में जागेगा। बस हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुने ना सुने वो उसकी रिसीविंग पावर जो है, लेकिन मैं बोलूंगी जब तक हूं मैं वेजिटेरियनिज्म के लिए, मैं बोलती रहूंगी, वो मेरा प्रण है। क्योंकि जो मैंने पाया है, मैंने बस एक मेरा रिसर्च है, मैं मैथमेटिक्स के PhD की हूँ लेकिन उसका मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये मेरे लिए एक रिसर्च है। मैं कहीं भी रहूँ, कभी समुंदर के किनारे रहूँ, कहीं अकेली रहूँ, कहीं भीड़ में रहूँ, मेरे में एक मतलब कोई मेरे को ढूंढ रहा है, कोई मेरे को पुकार रहा है, एक अजीब सी चीख आती थी मेरे दिल से, मैं एकदम रो पड़ती थी कि क्या है ये, फिर क्या है ये, क्या है, एकदम पूरा मैं चिल्लाती थी। फिर धीरे 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 वो शांत होते गया कि मैं किसको ढूंढ रही हूँ, खुद को ही ढूंढ रही हूँ, खुद के अंदर ही आना है मेरे को। ऐसे करते 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 मैं मतलब बहुत ये कर रही हूँ। अभी भी जो तत्वमसी बना है वो अपने आप में इतना ये है कि वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग आते हैं, उन लोग का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है। ऐसे अगर एक्सपीरियंस का नाम लेंगे तो रोज़ तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते रहता है। अभी फ़िलहाल जो हो रहा है, मतलब 1 साल हो गया होगा, आके कोई लकीर खींचते हैं, मेरून कलर का एक लकीर खींचा जाता है, अभी 2 दिन पहले भी हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस खींचा जाता है। जिस दिन सत्संग होता है या फिर हम प्रेम से ध्यान करवाते हैं या फिर कोई नए मास्टर्स आते हैं तो चंदन का खुशबू आता है, या तो फिर लकीर खींचना, वो तो पूरा एकदम ये है। अभी भी मतलब मेरे पास होगा कि नहीं दिखा दूंगी। मतलब ऐसा हुआ है कि एक बार एक मास्टर को मैं बता रही थी और एक ब्लू लाइट जलाई थी, वो ब्लू लाइट धड़क से बंद हो गया, वो घबरा के, और आज तक वो मास्टर आई नहीं है तत्वमसी में।
लेकिन कुछ डरावना नहीं था, हम उसको प्रेम से करवा रहे थे, ध्यान करवा रहे थे। इतना बड़ा एकदम ऐसे करके खींच के गया, वो लाइट फ्यूज हो गया उसके बाद। और अभी एक मास्टर के सामने ही वो देख रही थी, और ऐसे 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 हम लोग के सामने ही एकदम ऐसे लाइन चला जा रहा था। कुछ भी होता है, कोई मास्टर्स आते रहते हैं। एक बार 9 मास्टर्स आए थे भुवनेश्वर से, वो परियां हैं। तो मैं सुबह उठ के जब पिरामिड आई तो इतना छोटा छोटा, इतना प्यारा प्यारा पंख हम कभी देखे नहीं थे। एक तो वाइट पंख था और बाकी सब ब्लू और शायद हमारा इसका था, विजन का था। एकदम पूरा एक कोई जैसे सजा के बिछा के गया है। और उस दिन एग्जैक्टली उतने ही मास्टर्स आए थे। और ऐसा होता है जब कोई मतलब कुछ घटना घटने वाली होती है, कुछ ये होती है, तो एक लाइटनिंग होता है। पहले तो पिरामिड में मेरे को लाइटनिंग दिखता था, अभी घर में भी मेरे को लाइटनिंग दिखता है। जैसे हम लोग का बिजली चमकता है वैसे लाइटनिंग भी होते रहता है। कहीं भी मतलब कोई आ रहा है तो मेरे को पता चल जाए, नहीं ये चीज़ तो होने वाला है, मैं कन्फर्म हो जाती हूँ। और ऐसे अभी भी कुछ मतलब दिन पहले स्टार्टिंग में जब मेरे हस्बैंड आए थे उसको बंद करने के लिए पिरामिड को, तो कोई बैठ के ध्यान कर रहे हैं, इतना लंबा लंबा दाढ़ी है वो देखे हैं। तो अब उसके बाद दिन वो भी नहीं आते ये करके। लेकिन बहुत लोग ऐसे आते हैं, देखते हैं, पूरा पता चलता है, महसूस होता है। जैसे मैं हमेशा बोलती थी कि एस्ट्रल मास्टर सब मेरे साथ हमेशा है, ये सिर्फ मेरा अनुभव था। मेरा तबीयत खराब रहता है, कुछ होता है तो मेरे को बहुत अच्छा नींद आ जाता है, मैं सो जाती हूँ तो कभी मेरे को दिखता है कि कोई मेरे पैर के सामने खड़ा है, या फिर कुछ दुखी होती हूँ तो कोई मतलब कोई दिखते हैं मेरे को, उसके बाद मैं एक अद्भुत आनंद में रहती हूँ। फिर अभी लेकिन मैं बोल पा रही हूँ, सबको दिखा पा रही हूँ कि एस्ट्रल मास्टर्स आ रहे हैं बोल के। वो जो लकीर खींचा जा रहा है उसमें से बस इतना पता चले, जो खुशबू आ रहा है या फिर किसी को कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, तो कन्फर्म हो रहे हैं लोग भी कि स्पिरिचुअल मास्टर्स आ रहे हैं बोल के। बस ध्यान स्प्रेड होते रहे, स्प्रेड किया ध्यान। तो मैं कभी ऐसे बैठ के नहीं करती हूँ, मेरे को ध्यान घटित होता है, और उसमें भी मैं बिलीव करती हूँ। दूसरों का ये से मैं ज़्यादा अपने आप में बिलीव करती हूँ। दूसरों को चेंज करने से ज़्यादा खुद को चेंज कर लो। आप बाहर से कुछ भी हो, बस अपने अंदर में रहो। और अंदर रहने के लिए आपको एक सांस की ही ज़रूरत है, वही एक विधि है जिसके मार्ग मतलब आप जा सकते हो। पत्री सर तो आ नहीं पाएंगे, पत्री सर सबके हैं, या फिर मनीष सर को भी बोलते हैं हम, जिससे भी ज्ञान लेते हैं वो, ऐसे तो हम उनके साथ हम फैमिली छोड़ के नहीं जा सकते उनके साथ, लेकिन हम एस्ट्रली फील करते हैं उनको, वो हमेशा हमारे साथ हैं। मतलब पत्री सर इतना 6x6 पिरामिड है, छोटा मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि वो मेरे को बहुत विशाल बनाया है। और पत्री सर जो आए थे उसका नाम माइक्रो पिरामिड दिए थे। मैं 9-10 साल पहले सोची थी काश पत्री सर आते और बंसी बजाते, वो भी हो गया। मतलब जो सोचो वो हो गया। अभी फिलहाल मैं समर वेकेशन में गई थी राउरकेला, राउरकेला में जिसके घर हो रहा था वो ध्यान ये में वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आगे बढ़ रही है, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरे दिल में आया, मैं बोल के भी आई, यहाँ पे पत्री सर को आना चाहिए, पत्री सर जरूर आएंगे। और कुछ ही दिन में पत्री सर अभी जाके राउरकेला से आ गए। तो कल मैं वही सर को बुलाए थे, सर जो भी होता है ना तो हम जो सोचते हैं आप तो वो करके ही देते हो। और मेरे एक मास्टर है नॉनवेज लेती है, वो एकदम उसको समझा नहीं सकते। और कल सर क्या बम के एकदम, वो हमारा कार्य है कि हम बस बोलेंगे, और एक स्पिरिचुअल मास्टर जो है, वो गुरु जो है, वो हमेशा हमारे साथ है। हम कैसे, हम जैसे शिष्य हैं गुरु हमको वैसे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुरु को हम पकड़ के लेके चले, वो तो कुछ देर तक लाइट दिखाएगा, पूरा तो नहीं लेगा। उसका एक फॉर्मूला पकड़ लो, वो क्या बोला है उसका बस एक सूत्र ले लो, वो सूत्र तुम ले लो, तुम गुरु से जुदा नहीं हो सकते, तुम अकेले कभी हो ही नहीं सकते। तुम भीड़ में रहो, अकेले रहो, सारे संसार किसी के साथ भी रहो, गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वो फिजिकली नहीं रहेगा लेकिन एस्ट्रली तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अभी ऐसे हो रहा है कि पत्री सर का आना कोई उसको महसूस करेगा ना करेगा, लेकिन अभी जो मतलब कोई मास्टर सपोज एब्सेंट है और एक मास्टर आ रहा है, तो उस मास्टर का चेतना भी फीलिंग्स में आता है। अगर मेरे को अकेले आता तो हम वहाँ पे बोलते नहीं हैं, लेकिन और दो चार जन को पता चलता है, पूरा उसका उसका खुशबू, उसका मतलब ये का चाल ढाल सब पता चलता है, तो पता चले वो तो आई थी। तो ऐसे ही होता है। तो अभी चेतना लेवल में सब हम सब मिले हुए हैं। अब इतना ज्ञान है कि हम मतलब मर के भी मर नहीं पाते हैं, मर के भी हम लोग कोई जुदा नहीं होते हैं। इस वर्ल्ड से और एक वर्ल्ड भी है,
जहाँ पे हमारा कनेक्टिविटी रहता है, ध्यान में आके इतना मालूम हुआ कि इस बस इतना ही छोटा संसार अपना नहीं है, इससे आगे भी कुछ और भी संसार है। और किसी कितने जन से पता नहीं बंधे हैं, यहाँ पे अलख्या बोलो, कोई भी बोलो, जितने सब ध्यान मास्टर, किसी के साथ कुछ नहीं है, बट एक अनकंडीशनल, एक स्पिरिचुअल बंडेज है। और एक इसको हम मतलब प्यार से बंडेज बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो बंडेज है ना, ये कभी मतलब छूटेगा नहीं, जन्मों जन्म तक, युग युग तक चलता रहेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से हम मिलते रहेंगे, भले ही हम फिजिकल रूप में हमको पता चले ना चले, बट जब हम ध्यान में आते हैं, जब सो जाते हैं, चेतना अपना अपना चेतना, तो वो मिल के खुश होके आ ही जाते हैं। तभी तो हम बोलते हैं, अरे आज तो बहुत बड़ी अच्छी नींद आई, आज तो बड़ी अच्छी ध्यान हुई। इसका मतलब जब हम ध्यान में जाते हैं या फिर जब हम नींद में आते हैं, तब चेतना गई, और चेतना गई तो अपनों से मिली। तो ऐसे कर करके कभी हम फिजिकली भी मिल लेते हैं। बस प्रेम से रहो, ध्यान करो, प्रेम से रहो। जब ध्यान करोगे विवेक जागृत होगा, जब विवेक जागृत होगा तो प्रेम ऑटोमेटिकली आएगा। वो प्रेम आपको दिखाने के लिए नहीं करना पड़ेगा, उसका क्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो एक्सपेक्टेशन किसी से हो नहीं, ये मेरे को ये देगा तो वो देगा तो भी करेंगे, कुछ नहीं दे रहा है तो दिख तो नहीं रहा है कि कुछ दे नहीं रहा है, सब तो दे रहे हैं, कुछ तो नहीं दे रहे तो अनुभव तो दे रहे हैं यार। जिंदगी लाए किसके लिए हैं, बस अनुभव लेने के लिए ही आए हैं। अनुभव ले लो, अनुभव ही लेने के लिए आए हैं, बाकी तो सब छोड़ के ही जाएंगे। कौन सा, ये तो एक कपड़ा है, और ये कपड़ा हमको मतलब जैसे हम मतलब रहेंगे वैसे ही कपड़ा फिर नेक्स्ट लाइफ में हमको मिलेगा। इसको जितना शुद्धता के साथ रखेंगे, जितना जैसे हमको प्योरिटी, जितना कमाते हैं, जैसे करते हैं, जैसे हम जितना धनी भी बनते हैं, तो ये शरीर को अगर धनी बनाना है तो ध्यान तो करना ही होगा। जितनी प्योरिटी में आप रहोगे उतनी प्योर ड्रेस आपको मिलेगा, वही घर रहना है। बस प्रेम से रहो। नमस्ते, धन्यवाद।